सर क्या वैकेंसीज खत्म हो चुकी हैं? क्या वैकेंसी नहीं निकलेगी? ऐसा नहीं है, जो भी विद्यालय अच्छे हैं उनकी वैकेंसीज जैसी ही आउट होती है, हमारा प्रयास रहता है कि हमारे पेरेंट्स उसको जान सके विद फुल डिटेल। आज हम ऐसे विद्यालय के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जिसने क्लास सिक्स तक की वैकेंसी आउट की है। कहाँ पे विद्यालय है, क्या फी है इसका, क्या क्या फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराता है, और दिस कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू बी इन द पटना बिजनेस स्कूल। तो लेट्स साइन इन। आज हम बात करने वाले हैं संत कैरेंस कॉलेज स्कूल पटना, जो कि रुपसपुर में है, रुपसपुर बेली रोड पटना में यह विद्यालय है जो कि संत कैरेंस का ही एक ब्रांच है। और इस विद्यालय में बहुत तरह की फैसिलिटीज हमारे बच्चों को दी जाती हैं जो कि आजकल के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। फैसिलिटीज की बात की जाए तो स्कूल में बहुत तरह की फैसिलिटीज जो कि आजकल होनी चाहिए इस विद्यालय में भी है। टीचर्स की संख्या भी अच्छी है और बहुत तरह की फैसिलिटीज भी अच्छा स्कूल प्रोवाइड कराता है। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे जहां पे जाके आप अच्छे से सलीके से इस विद्यालय के फॉर्म को भर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए सर? एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है हमारे पेरेंट्स के माइंड में कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो लेट्स साइन। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, आप जानते ही हैं। एडमिशन विल बी डन एज पर द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल। फर्स्ट पॉइंट, अवेलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्टरिंग द कैंडिडेट डजंट गारंटी एडमिशन इन संत कैरेंस कॉलेज एट स्कूल। पहला क्या है, कोई यहाँ जो बात दी गई है वो ये है कि सिर्फ फॉर्म भर देने से आपका इस विद्यालय में नामांकन हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। पहला है कि क्लास वन के बच्चों का जो एज है 6 साल 31 मार्च तक हो जाना चाहिए। उसके बाद पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मीट द सिलेक्शन कमिटी एज पर द टाइम एंड डेट गिवन ऑन द एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अटैच फोटो स्टैट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत एंड आधार कार्ड इज मैंडेटरी। आधार कार्ड मैंडेटरी है, बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हो या पंचायत से हो वो आपका यहाँ पे चलेगा। और आप बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एंड लेटर फ्रॉम द पेरिस पेरिस्ट, एनी वन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। राशन कार्ड, इलेक्शन आईडी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, और आपके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं सिबलिंग तो संत कैरेंस कॉलेज स्कूल में तो आप वहां पे जमा कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए ही आप वहां पे जमा करना है, यहां पे साफ साफ शब्दों में दिया गया है। ऑयल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी अटैच, ऑयल सर्टिफिकेट्स को अपलोड नहीं करना है वहां पर। They must be produced at time of verification of the form by the selection committee. It is the responsibility of the parents. ये parents का responsibility है कि form जो है वो complete हो, और respects में incomplete और over written lack of supporting documents, certificates related to the rejection of the application form. तो घबराहट में कभी form fill ना करे, जो कि बहुत ही important बात है। कोई false documentation ना दे जो कि बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उससे admission भी ना हो। पॉइंट नंबर 7 में, वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, एक रिसेंट साइज अभी का फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फैमिली फोटोग्राफ्स, फादर मदर ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। पॉइंट नंबर 8 में, ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट एनी टाइम बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्कूल एंड नीड नॉट बी रिफंडेड। जो आप डॉक्यूमेंटेशन वहां पर जमा करेंगे वो आपको बाद में रिफंड नहीं होगा, तो घबरा के ऐसे डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कतई ना दे, फोटो स्टैट्स ही दे आप वहां पर। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल डन बाय द कमिटी, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी सॉलिसिटेड रिगार्डिंग द सिलेक्शन। उसके बाद, इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट एडमिशन मस्ट बी टेकन विद इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए गिवन टाइम फ्रेमवर्क में एडमिशन ले लेना है, अन्यथा आपके दावेदारी को रद्द कर दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज हु फुलफिल देयर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्रिश्चियन के बच्चे जो क्रिश्चियन संत कैरेंस के बच्चे हैं उनके स्टाफ के बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिबलिंग ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन संत कैरेंस कॉलेज एट स्कूल, स्टूडेंट फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल, चिल्ड्रन ऑफ स्कूल स्टाफ, ये सारे बच्चों को यहाँ पर प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। ये रहा विद्यालय का पूरा एडमिशन गाइडलाइंस जो कि आपको फॉलो करना है। और अब एडमिशन फॉर्म, इसके बाद सर फील कैसे होगा? तो जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक करते ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द सेशन 24-25 आपको यहाँ पे ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा, उसी पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, फिल द फॉर्म, ई फॉर्म पे क्लिक करना है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे खुल के निकल जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन बता दिया गया है, फोटोकॉपी बता दिया गया है, और सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं।
उसको ही आप यहाँ पे फिल करें। फॉर्म का फी जो है वो 700 रुपीज है जो कि नॉन रिफंडेबल है। यहाँ क्लासेस जो है ओपन है फॉर एडमिशन क्लास यूकेजी से 1, 2, 3, 4 फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25। बहुत से बच्चों का, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स का ये सवाल सर यूकेजी की वैकेंसी जरूर बताइए, तो हम ऐसा जरूर करेंगे। जैसे कोई अच्छा विद्यालय का वैकेंसी आउट हो तो आपको बताने का प्रयास करेंगे। दिस कैन बी योर बेस्ट ऑप्शन। तो यूकेजी का एज यहाँ बताया गया है 5+ होना चाहिए, क्लास 1 के बच्चों के लिए 6+ होना चाहिए, 2 वाले बच्चों के लिए 7+, 3 वाले बच्चों के लिए 8+, 4 वाले बच्चों के लिए 9+। यहाँ पे कैंडिडेट विल बी गिवन appear to the proficiency and aptitude assessment on the specified date as given the time of submission of the form. Bring all the original document on the day of admissions as and informed by the school office. सारी चीजें आपको वहां पर inform कर दी जाएंगी जैसे आप form fill करेंगे। Form को ध्यान से सलीके से fill करना है, उसके बाद जो चीजें हैं passport size photograph सारी चीजें को देखकर अगर आप comment करेंगे तो जरूर इस पर हम video बनाएंगे how to fill the form to St. Karen's Collegiate High School। यहाँ पे सारी चीजें दे दी गई हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे जिसमें आप देख के ध्यान से यहाँ सलीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। उसके बाद प्रोसीड विद द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। सारा जो भी है LKG 1 से लेके यहाँ पे जैसे आप आइएगा क्लास 6 तक की वैकेंसी इसको दिखाया जा रहा है, तो आप 6 तक के बच्चे के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, आप एडमिशन भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। UKG 2, 3, 4, 5, 6 वाले बच्चे यहाँ पे संत कैरेंस कॉलेजिएट स्कूल पटना के फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से, कोई डिफिकल्ट नहीं है फॉर्म भरना। जेंडर है, रिलीजन क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, नेशनलिटी क्या है, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ स्टेइंग एट द लोकल एड्रेस, लोकल एड्रेस डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल इन किलोमीटर, लास्ट स्कूल डिटेल्स, फादर्स पेरेंट्स डिटेल इसको आपको सलीके से यहाँ पे भरना है, मदर्स डिटेल आपको सलीके से यहाँ पे भरना है, ऑक्यूपेशन क्या है फादर का मदर का, सारी चीजें सलीके से आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा तो हम लोग इस पर भी एक अच्छा वीडियो बना देंगे कि हाउ टू फिल द फॉर्म विद 100% एक्यूरेसी। क्योंकि फॉर्म बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित रहते सर वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, ये एक मुद्दा है। इससे हम लोग गुरेज नहीं कर सकते कि वैकेंसीज कम निकल रही हैं, LKG के बाद वैकेंसी भी निकली ही नहीं है, 1 क्लास की वैकेंसी निकलने वाली है, तो ये एक सुकून का काम है कि पटना के बेस्ट स्कूल में वैकेंसी निकले। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित रहते हैं अपने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी इस तरह के विद्यालय उनको नहीं मिल पाते हैं जो उनको चाहिए। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा ऐसे विद्यालयों से कि जरूर अगर वैकेंसी है, वैकेंसीज हैं, तो जरूर जरूर तुरंत निकालें। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि व्याकुल हैं बच्चों को एडमिशन कराने के लिए पटना के सबसे अच्छे विद्यालयों में, तो हमारा भी ऐसे विद्यालयों से निवेदन रहेगा कि जरूर आप अपनी वैकेंसी निकालें जिससे उन बच्चों को भी पढ़ने का अवसर मिले आपके विद्यालय में, वो भी अपने क्षेत्र में अपने करियर में एक अच्छा नाम और शोहरत हासिल कर सके। अगर पहली बार हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को बजाना नहीं भूले। इफ यू वांट योर किड्स टू बी इन द पटना टॉप स्कूल सो वेट फॉर व्हाट, प्लीज ज्वाइन आवर कोर्सेज बाय डायलिंग सिंपली डायलिंग द नंबर दैट इज 9472163206। चूंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।